जय हिंद फ्रेंड्स। नागौर जिलों वालों के लिए, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसे कि पहले भर्ती प्रक्रिया नागौर में होती थी, उसी प्रकार वापस अक्टूबर में भर्ती आपकी होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये आपको न्यूज में बता रहा हूं, 26/3/2021 यानी आज से 5-6 दिन पहले की न्यूज है, जो नागौर भास्कर में जो न्यूज पेपर आता है, दैनिक भास्कर, इसके अंदर आई हुई है। सेना भर्ती को लेकर सवाल के जवाब में एक लोकसभा पार्टनर पर मिली जानकारी, इस साल अक्टूबर में होगी नागौर में सेना भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑलरेडी उदयपुर में सेना भर्ती हुई है, जिसका रिटर्न अभी बाकी है, बाकी मेडिकल प्रक्रिया वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो वो अभी नेक्स्ट, अभी आपके पास ओनली 6 महीने बचे हैं। सेना भर्ती इस साल अक्टूबर में नागौर में होगी। अफवाह और अधूरी जानकारियों के बीच अब लोकसभा के पोर्टल पर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसकी जानकारी हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा क्षेत्र के प्रश्नों से जुड़े मुद्दे पर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा रक्षा मंत्री से सेना भर्ती रैली को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लोकसभा पोर्टल पर प्राप्त हुई है। पहले सेना भर्ती नहीं होने से युवाओं को निराशा हुई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से नागौर जिला मुख्यालय पर आगामी अक्टूबर माह में सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। तो आप लोगों ने यह देख लिया होगा जो न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके अलावा मैं आपको एक और एक न्यूज बताऊंगा, जिसमें आर्मी के अफसरों ने क्या न्यूज़पेपर में या अपने इंटरव्यू में बताया, तो नेक्स्ट अभी उसकी हम जानकारी लेते हैं। ये दूसरे न्यूज़पेपर की है जो राजस्थान पत्रिका की है। नागौर को फिर मिली सेना भर्ती, अक्टूबर में होगा आयोजन। उदयपुर की रैली में सबसे अधिक नागौर के अभ्यर्थी थे, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो अभी उदयपुर में भर्ती हुए 11 जिलों की, जिसमें टोटल थे 62,296 यानी 62,000 के समथिंग बंदे गए थे, उसमें ओनली नागौर डिस्ट्रिक्ट के 21,927 यदि राउंड फिगर में लेते हैं तो 22,000 बंदे ओनली नागौर के ही बंदे थे, नागौर डिस्ट्रिक्ट के। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये भर्ती आ गई है, और इसमें अभी अफसरों ने क्या क्या, उदयपुर की भर्ती के बाद सेना के अधिकारियों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि सेना भर्ती के आयोजन का असली हकदार नागौर जिला ही है। तो कहने का मतलब अफसरों ने भी मान लिया है, और ये संसद में भी अब इसका मुद्दा उठ चुका है, और हमारे जो माननीय सांसद हैं नागौर के बेनीवाल जी, उन्होंने भी काफी मुद्दा उठाया। तो कहने का मतलब है, अभी आप लोग कमर कस लीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, इससे पहले जो अभी फरवरी में भर्ती हुई है, कई बंदों को डाउट था कि अप्रैल में भर्ती होगी, और मेरे पास बंदे काफी आए थे, 50-60 बच्चे आ गए थे एकदम से, लेकिन उनको टाइम कितना मिला, 1 महीना भी मुश्किल से टाइम नहीं मिला था। कुछ बंदे वापस क्यों चले गए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके बाकी रह गए। तो मेरे भाई, जिन बंदों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो अभी मैंने आपको 6 महीना पहले आगाह कर दिया है। फिर बाद में आप बोलोगे, नहीं सर, 1 महीने में 2 महीने में तैयारी नहीं होती, आप चाहे घर पे करो चाहे कोई एकेडमी ज्वाइन करो, वो नहीं बोला मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब, यदि हकीकत में आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, आपके पास 6 महीने पूरे पूरे बचे हुए हैं। तो आज का वीडियो शायद मेरे भाइयों के लिए, नागौर वालों के लिए, क्योंकि मैं भी नागौर से ही हूं, तो मेरे भाइयों को थोड़ी टेंशन सभी की रहती है, लेकिन इनके काफी कॉल आ रहे थे भी, जैसे जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से और नागौर से, तो उनका मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया। क्योंकि कई बंदे बोले, सर अक्टूबर में न्यूज आई हाँ, और मैंने एक नोटिफिकेशन डाला, उसमें भी अक्टूबर में ही दिया हुआ है, और ये आपको न्यूज पेपर की कटिंग के साथ आपको मैंने बता दिया, तो 100% ये श्योर है कि आपकी अक्टूबर में भर्ती होगी। अभी से आप कमर कस लीजिए, और भर्ती में ज्वाइन होने के लिए, तो आपका दोस्त लकी फौजी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।